हाय गाइज, हमारे चैनल शुभम स्टडी एंड टेक्नोलॉजी में मैं आपका सौरभ मौर्य आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर वेलेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें फ्रेंड्स मैं आपको इसमें हर टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पर जैसे ही चैप्टर ये समाप्त होता है, फिर मैं उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। और उसके बाद अगर उसके बाद जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, अगर उनकी मांग हुई तो मैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपली आज मैं जो वेलेंट का चैप्टर है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसमें आप पहली हेडिंग जो आती है या पहला टॉपिक जो आता है वो आता है वेलेंट। तो पहले ही यानी विलियन यानी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसकी सिंपली मैं आपको डिफिनेशन जो कि बता देता हूँ कि विलियन जो होता है वह दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो इन दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण का क्या मतलब, जो समान मात्रा में हो, मतलब समांगी मिश्रण यानी कि दोनों मिश्रण पर्याप्त मात्रा में, एक की मात्रा अधिक हो या दूसरे के, मतलब लेकिन जो उनके अवयव हों वो समान मात्रा में हो। तो फ्रेंड, जैसे एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जैसे हो गया नमक और पानी का मिश्रण, मतलब वो जो चीज़ें एक दूसरे में घुल जाएँ तो वह चीज़ें जो कि विलयन हमें कहलाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है विलेय और विलायक। जो कि विलयन में दो पार्ट होते हैं, एक पहला पार्ट होता है कि विलायक और दूसरा पार्ट होता है विलेय। तो सिंपली जो हम लोग बात करते हैं कि विलयन में जिस घटक की जो अवस्था, जो मतलब विलयन में जो जिस चीज की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। ये सिंपल डिफिनेशन होती है, लेकिन जो रियल में डिफिनेशन होती है वह होती है विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी हो। मूल भौतिक अवस्था मतलब अगर जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं चीनी और जल का मिश्रण, इसमें क्या है, जल जो कि विलायक होगा क्योंकि मूल भौतिक अवस्था, जैसे विलयन अगर घोल तो देंगे दोनों को, फिर उसकी मूल भौतिक अवस्था कैसे आएगी, वह जल के ही समान आएगी। तो उसकी मतलब, इसका मतलब हुआ कि जल हो गया जो, वो विलायक हो गया और उसके बाद जो आगे आएगा यानी जो पदार्थ बचता है उसे हम विलेय कहते हैं। यानी जो पदार्थ विलीन हुए पदार्थ को हम विलेय कहते हैं, जो पदार्थ विलीन हो जाता है उसे हम सिंपली विलेय कहते हैं। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जैसे चीनी और जल का जो कि आपको बताया, तो वही जल विलायक है और चीनी विलेय है। तो यहाँ पे जैसे एक लीटर H2SO4 यानी जल, ये जो कि जल है, तो यहाँ पर विलीन कर दिया गया जल को और इसमें शुगर जो कि 110 ग्राम जो कि शुगर यानी को मिला दिया, यानी चीनी को इसमें मिलाया गया, तो ये विलयन में प्राप्त हुआ है। जैसे यहाँ पर फिर 50 ml अल्कोहल ले लिया गया यानी C2H5OH एथिल अल्कोहल है या कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हैं, फिर उसमें वो 1 लीटर जल में मिलाया गया है, तो यहाँ पर ये विलयन हमें प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आती है विलयन। फिर विलयन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे विलय के तो हमने पार्ट के बारे में बात कर ली, लेकिन अब बात आती है कि विलय का प्रकार क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के पूरे 9 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 प्रकार के होते हैं। 9 को मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ और यहाँ पे छोटी छोटी बातें उनके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर सिंपली विलय और विलायक जो कि दोनों को मैंने पहले ही अलग कर दिया ताकि आपको मतलब कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर सिंपली देख लीजिए आप, जैसे पहला पार्ट क्या कहता है, ठोस द्रव ठोस गैस। यहाँ पर सिंपली मैंने इनके एग्जाम्पल्स भी लिख दी, जैसे मिश्र धातुएं जो होती है ठोस में, ये जो कि एक विलय मिश्र ठोस, फिर ठोस और द्रव में पारा आता है और जिंक आता है यानी पारा यानी HG मरकरी, फिर जिंक ZN, फिर इसी प्रकार ठोस गैस पोलेडियम धातु में H2 यानी हाइड्रोजन जो कि मिला हुआ हो, फिर द्रव ठोस जल में, इसी प्रकार फ्रेंड्स आपके यहाँ पर सारे इसी प्रकार फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि द्रव ठोस यहाँ पर जल में लवर या शर्करा यानी यही शुगर यानी चीनी की बात हो रही है, फिर वहाँ पर द्रव अल्कोहल का जली विलयन, फिर द्रव गैस सोडा वाटर की बोतल में H2 माने CO2, फिर गैस ठोस वायु में कपूर या धुआं, गैस द्रव कोहरा में भी तो ये होता है, द्रव ही होता है उसमें जल की बूंदें होती हैं, गैस वायु सभी गैसें जो कि गैस अवस्था में ही पाई जाती हैं। फिर उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स, अगर हम तनु, अब विलयन से हटके अब यहाँ पे बहुत सारे विलयन्स होते हैं, अब उन विलयनों में कौन कौन से विलयन, तो पहला विलयन होता है तनु विलयन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऐसे इसे कैसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसी डिफिनेशन आप पर्याप्त एक क्रम वाइज डिफिनेशन मैं आपको यहाँ पे सिंपली दिखाऊंगा।
तो उसके लिए जो कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे विलेय, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता यानी जैसे कि जो उसमें हमें चीनी जो था वो विलेय था, उसकी सांद्रता अगर कम हो यानी मात्रा जो एक कम हो तो वह तनु विलयन होता है। फिर उसके बाद दूसरा सांद्र विलयन आता है, कंसनट्रेट सोल्यूशन, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो ये भी, ये तो मैंने आपको सांद्र और तनु विलयन बता दिया। अब एक संतृप्त विलयन, एक अलग जो होता है संतृप्त विलयन, ये क्या होता है, ये अधिक से अधिक पूछा जाता है कि किसी ताप पर, एक निश्चित लेकिन ताप होना, कोई भी ताप आप ले सकते हो कोई टेंशन नहीं है, किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में मिलाते रहे, मतलब जल में हम मिलाते रहे और अंत में वह एक अवस्था आती है जब चीनी जल में घुलना बंद कर देती है, या जल में घुलना बंद कर देती और ठोस चीनी के नीचे तली पेंदी में बैठने लगती, इस अवस्था को हम उसकी संतृप्त अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई अगर आप यहाँ पर कोई आप एक विलयन लेते, एक बीकर ले लीजिए, मान लीजिए एक जो भी आप ले सकते हैं, फिर यहाँ पर रखने लिए नहीं आप बीकर ही लीजिए, फिर यहाँ पर आप, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आपने जल ले लिया और यहाँ से आप शुगर को डाल रहे हैं, ये यहाँ एंटर कर रहा है शुगर, फिर उसके बाद यहाँ से आते आते फिर यहाँ पे एक समय आता है ये तो घुल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर अभी तो घुल रहा है लेकिन एक समय आता है जब घुलना बंद कर देता है और यहाँ पे नीचे जो कि पेंदी यानी तली जो होता है वहाँ पे बैठना शुरू हो जाता है। तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, संतृप्त अवस्था, ये अवस्था संतृप्त अवस्था कहलाती है, ठीक है, यानी और संतृप्त यह अवस्था संतृप्त अवस्था होती है, और ये पूरा विलयन था आपका क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। तो यही था, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो एक असंतृप्त विलयन, विलयन की बात करें, निश्चित एक निश्चित ताप होनी चाहिए, एक अगर एक निश्चित ताप है जैसे 25 डिग्री, 24 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी ताप हो एक निश्चित हो तब हम उसे कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप। निश्चित ताप पर किसी भी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में उपस्थित हो उसे संतृप्त, मतलब कि जो हमने संतृप्त विलयन तो समझ लिया, संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक, जो संतृप्त करने की जो लिमिट हो उससे भी अधिक, जो एक लिमिट हो उससे भी अधिक होनी चाहिए, तब तो उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं, या अति संतृप्त, इसे असंतृप्त या अति संतृप्त विलयन भी कहते हैं। फिर उसके बाद आती है विलेयता यानी सॉलिबिलिटी, फिर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की विलेयता कहलाती है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की, मतलब कोई भी विलयन हो, कोई भी विलयन हो उसमें पदार्थ एक निश्चित ताप भी उससे होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं निश्चित ताप, एक निश्चित टेम्परेचर हो उसका और 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने 20 ग्राम NaCl का, ये जो कि विलेय होगा और ये विलायक, ठीक है, ये जल है जो कि H2O, ठीक है, H2O जो कि 100 ग्राम, इसमें विलायक के लिए जो जब ये संतृप्त होने लगे तो ये इस अवस्था, ये जो कि पदार्थ वो क्या कहलाता है, विलेयता, पदार्थ की वह विलेयता कहलाती है। फिर अब बात आती है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो अब बात आती है जो कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो सिंपली आप पहला प्रभावित क्या करता है, ताप, फिर दूसरा हम कह सकते हैं विलेय उसकी प्रवृत्ति क्या हो सकती है, फिर तीसरा आया करों का आकार, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार भी तो निर्भर करेगा, फिर उसके बाद आती है समायन विभव, ऐसे बहुत सारे हैं। तो पहले मैं ताप के बारे में आपको बता देता हूँ, तो साधारण पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, क्योंकि जब कोई पदार्थ विलेय में घुलता है तो ऊष्मा अवशोषित करता है या अवशोषित होती है, कुछ पदार्थ जैसे CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, क्योंकि ये पदार्थ विलेय में घुलते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित मतलब जब कोई पदार्थ किसी पर इसमें किस जल को जो जल अगर हम इसमें मिलाते हैं, ठीक है, ये तो अभी विलायक है, तो अगर इसमें हम जल को मिलाते हैं तो ये ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, तो इन पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है जिससे इनकी विलेयता क्या होती है वह बढ़ जाती है। फिर दूसरी बात आती है कि यहाँ पर दूसरी जो बात आती है वह है विलेय और विलायक की प्रवृत्ति, मैंने पहले ही बताया था इनकी प्रवृत्ति क्या हो सकती है, विलायक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, ध्रुवी और अध्रुवी, तो यहाँ पर आयनिक व ध्रुवी पदार्थ ध्रुवी विलायक में घुलते हैं, जबकि अध्रुवी पदार्थ अध्रुवी या दक्षिणी ध्रुवी, यानी ध्रुवी क्या मतलब यहाँ से जो होता है
ध्रुवी, जैसे NaCl का एक विलयन, NaCl एक ध्रुवी पदार्थ होता है, जैसे ये यहाँ पर NaCl है, एक ध्रुवी है, और यहाँ पर I2 अध्रुवी है, I2 यहाँ पर अध्रुवी यानी CaCl2 अध्रुवी है, और ये पूर्व विलेय, जब ये पूर्व विलेय हो गया तो ये पूर्व विलेय, ये ध्रुवी अध्रुवी हुआ, फिर उसे अति अल्प विलेय, जो अति अल्प विलेय इसके लिए कहा गया है यहाँ पर I2, ठीक है। फिर उसके बाद विलेय के कणों का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल्स, सेल्यूलर पार्टिकल्स, किसी क्रिस्टल के ठोस छोटे छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षाकृत जल्दी घुलते हैं। यहाँ पर जो किसी क्रिस्टल के ठोस छोटे कणों के अपेक्षा बड़ी जल्दी से घुलते हैं, तो यहाँ पर जो अगर छोटे छोटे कण रहेंगे वो बड़े कणों की अपेक्षा तो जल्दी घुलेंगे। अरे भाई, अगर मान लो जैसे ये विलयन था हमने लिया था, उसमें अगर हम कोई छोटे छोटे पार्टिकल जैसे जैसे जल में घोलेंगे तो जल्दी जल्दी घोलेंगे। अब भाई सीधे अगर हमने ऐसे बहुत ये जल है और उसमें एक बड़ा सा पार्टिकल डाल देंगे तो थोड़ी बहुत जल्दी घोलेगा, तो आराम आराम। तो इसीलिए हमें छोटे छोटे पार्टिकल, जो कि ये तो मतलब हमें चाहिए करो का आकार कितना होना चाहिए, वो छोटा छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे छोटे आप पार्टिकल ले सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं समायन प्रभाव। विलयन में समायन आयन की उपस्थिति से साधारणतः अल्प विलयन लेयरों की विलेयता घट जाती है। जैसे एग्जाम्पल पहले आप देख लीजिए, AgCl की जल में विलेयता NaCl की अपेक्षा अधिक होती है, तो जो AgCl की विलेयता है वह NaCl की अपेक्षा, पहले बात मैं आपको दोबारा बताता हूँ, पूरा आप देख लीजिए ध्यान से। विलयन में सम आयन की उपस्थिति से, विलयन में सम आयन की उपस्थिति से था साधारणतः अल्प विलयन में अल्प विलेय लवर की उपेक्षा, मतलब साधारण आयन, जैसे AgCl जो थी उसमें पॉजिटिव तुरंत है, जो कि ये बहुत ही तीव्र रिएक्शन करता है, और Ag में तुरंत ही बहुत ही तेजी से, जो कि Ag में टूट जाता है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये जल में जाते ही, और जो कि NaCl भी टूटता है लेकिन थोड़ी कम अपेक्षा है। फिर अब बात आती फ्रेंड्स विलयनों की साधारणता व्यक्त करने की विधियां। तो ऐसे तो बहुत सारी यूनिटों में व्यक्त की जाती है विलयनों की आयतन, जो कि बहुत सारे, तो पहले इसी डिफिनेशन में आपको बता देता हूँ। डिफिनेशन आप देख लीजिए, विलयनों के यूनिट आयतन में विलीन विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो विलयन की यूनिट आयतन में विलीन विलेय की मात्रा, विलयन के आयतन में विलीन विलेय की मात्रा, जो कि उसकी सांद्रता कहलाती है, ठीक है। सांद्रता को अनेक विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो तो हमारी अच्छी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक तो कर दीजिए, और अगर हमारे ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आने वाली वीडियो आपको मैं आपको ऐसे ही देता रहूंगा, और आप एक एक सीधी एक सा मतलब एक क्रम वाइज जो कि नोट्स आप बनाते चलिए, अगर आपको अच्छी लग रही तो नोट आप बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको सीधे लिख कर ही पूरी बताता हूँ, ताकि मैं भी ऐसे था तो ऐसा पूरा मुझे नोट्स नहीं मिलता था, तो मैं आप लोगों के लिए एक करेक्टली नोट्स लाया हूँ, आप सिंपली यहाँ से आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे अब हम बात कर लेते हैं कि विलयन की भार प्रतिशतता क्या होती है। विलयन की बात, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, 100 ग्राम उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। तो भार प्रतिशतता क्या होती है, विलयन का भार बटे विलयन का भार, यानी कि भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, यहाँ पे जी फॉर ग्राम है, ठीक है, into 100, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, उदाहरण के तौर पे NaCl के भार अनुसार 10% जली विलयन में, ये तात्पर्य है कि 100 ग्राम विलयन में NaCl, 10 ग्राम NaCl और 90 ग्राम जल। तो ये कुछ खास नहीं है, इसमें मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब इन सूत्रों का प्रयोग होगा, तो आप बस इन सूत्रों को याद रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको डेफिनेशन ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, आप केवल सूत्र ही याद रखें, आगे जब न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर आपको इन सूत्रों का प्रयोग मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा जो आता है विलयन के आयतन प्रतिशतता, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन के आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन के आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो आयतन प्रतिशतता वही विलयन का आयतन, जहाँ विलेय का जहाँ भार था, यहाँ पर अगली बार भार था भार प्रतिशतता में, यहाँ अब आ गया आयतन, मिलीलीटर यहाँ पर ग्राम था, तो भाई कोई चीज अगर मतलब द्रव है तो उसे मिलीलीटर में लेंगे ना, तो वो ग्राम में था, अब यहाँ पर मिलीलीटर हो गया, फिर विलेय का आयतन मिलीलीटर into 100, यही चीज सेम है, बस वहाँ भार था और यहाँ आयतन है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से कोई ज्यादा ठीक
टेंशन वाली बात नहीं है, आगे जो न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे एग्जांपल आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर जो तीसरी बात आती है विलयन की भार आयतन, ये दोनों मिक्सचर है, दोनों को मिला के यहाँ पर भार आयतन वेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। विलय के 100 ml में विलयन विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशत भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ये ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ खास नहीं है, आप चाहे तो याद कर सकते डिफिनेशन, हाँ याद रखिएगा इसका, ठीक है, आगे जाकर पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल है 0.5% यानी आधे परसेंट ग्लूकोज विलयन से यह था अभिप्राय कि 100 ml विलय में 0.5, यहाँ पर परसेंटेज वही बात है, परसेंटेज का जहां भी आपको मतलब लगभग इस चैप्टर में दिखे तो आप ग्राम से लिया कीजिए या ग्राम मतलब उसका भार दिया है एक प्रकार से, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करूंगा तो वहां पे आपको सिंपली बता दूंगा। फिर इसके बाद पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पे मिलियन यानी कि पूरे 10 लाख की यहाँ पर बात होती है, 10 की पावर 6। विलयन के 1 मिलियन ग्राम यानी 10 की पावर 6 मैंने आपको पहले बताया में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या उसकी पीपीएम में सांद्रता यानी पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहलाती है। पार्ट पर मिलियन में सांद्रता बराबर विलय का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में इंटू 10 की पावर 6 यानी 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl के 10 ppm विलयन से तात्पर्य है कि यहाँ पे 10 ग्रामों में 10 10 की पावर 6 ग्रामों में 10 ग्राम NaCl विलयन है, ठीक है। तो फिर अगली अगली जो बात आती है फिर उसका दिए जो कि आप देखिए अभी तो आप बहुत ही पढ़ रहे थे लेकिन ये रासायनिक यूनिटों में सांद्रता बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर फिर उसके आप यहाँ देखिए रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि, अभी तो सिंपल विधि थी, अब यहाँ पर जो कि आप रासायनिक विधियों से आप देखते हैं कि कैसे आप व्यक्त कर सकते। तो ये पहला विलयन के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो विलयन के 1 लीटर में विलयन विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ग्राम लिखा था ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता वही इसी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन का भार यानी ग्राम में विलयन का आयतन जो कि लीटर में होना चाहिए, ठीक है। ग्राम प्रति सांद्रता ग्राम प्रति मतलब बटे, ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि नॉर्मलता विलयन की नॉर्मलता नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सिंपल आप इसके तो परिभाषा भी आपको याद ही होनी चाहिए क्योंकि आपने 10th में भी पाया कि होगी वहां पर भी आपको सिंपली आपने सिर्फ याद कर लिया होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार बताऊंगा। विलयन के 1 लीटर में विलयन विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, तो ये डिफिनेशन हो गई। फिर यहाँ पर विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता बराबर जो होता है विलय के तुल्यांकों की संख्या विलय का आयतन, विलय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में जो कि होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इंटू का कोई भी फॉर्मेशन नहीं किया गया है। तो विलयन के अगर यहाँ पर आप लीटर में भी लेते हो कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पे इसको लीटर में भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर नॉर्मलता आर इक्वल टू विलय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन, ठीक है। आयतन आप यहाँ पर ml यानी मैंने तो आपको लीटर में लेने का, लेकिन आप यहाँ पर ml में भी ले सकते हो। आप कहोगे अरे नहीं ये तो गलत हो सकता है हमारा न्यूमेरिकल गलत है, नहीं आप पहले पूरी बात सुन लो, यहाँ पर आप ml में तो लोगे लेकिन इंटू यहाँ पर आपको कितना कर देना होगा 1000, सिंपली आपको 1000 करना है क्योंकि भाई अगर हम मिली लीटर को एक एक मिली लीटर सॉरी 1 लीटर बराबर 1000 1000 ml यानी 1000 मिली लीटर, और यहाँ पर मिली लीटर बहुत लोग ऐसे लिखते हैं ये गलत होता है, ये तो ये देखिए ऐसे आप लोग लिखते हैं ये गलत है, मिली लीटर हमेशा ऐसे लिखाता है, ml कैपिटल होता है, कहीं भी आप लोग कभी भी देख लेना ये चीज सही होती है ये गलत होता है, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं लेकिन ये गलत है। आप ml कहीं भी आप चाहो तो NCERT की बुक में जाकर देख सकते हो ml ऐसे हमेशा लिखा होता है, ठीक है। तो वही चीज हुआ ना, तो यहाँ पर जो यहाँ पर इतना ये फार्मूला आप लगाओगे ml में लेकर भी 1000 से इंटू कर दो आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। फिर मैं आप फिर उसके बाद विलयन के तुल्यांकों की संख्या आपको भाई विलयन के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाले, तो उसके लिए भी मैं आपको फार्मूला लिख दिया हूँ। विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक की भार, विलय का जो भार होगा आगे मैं न्यूमेरिकल में आपको सिंपली एक सा
सही से सब कुछ एकदम क्लियर करके दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा अभी, ठीक है। फिर विलयन की सांद्रता मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता भी रहूंगा, नॉर्मलता पढ़ा रहा हूँ, दो तीन एग्जाम्पल भी आपके मेथड सॉल्व कराऊंगा, फिर उस आगे बढ़ूंगा। वरना यह नहीं कि भाई यहाँ पहले पढ़ा दो फिर आगे जाके, ताकि आप लोग सब सारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर रहे, एक पर्सन कोई भी ना कहे कि भाई ये गलत पढ़ाया है, नहीं मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देना चाहूंगा, ठीक है। जो ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछो, हाँ भाई ये हमें नहीं आया, हाँ सर ये हमें नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछिए, और आप मुझे भाई कह सकते हैं, आप भाई भाई ये हमें ये नहीं है, यहाँ पर आपने गलत बताया थोड़ा हमें, यहाँ पर मतलब आपको कह दो हाँ हमें थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप हमें इस पर थोड़ा सा वीडियो छोटा सा बना के इस पर हमें बता दो, तो हमें आपको वहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। विलयन की तुल्यांक संख्या, यहाँ पर विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की नॉर्मलता और विलयन का तुल्य, अगर ये नॉर्मलता दी है और तुल्यांक भार दिया है, और यहाँ पर आप सिंपली निकाल सकते हो सांद्रता, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने पहले ही कहा था न्यूमेरिकल आपको दूंगा, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो 250 ml आप चाहो तो इसी लीटर में रहने दो, या तो ml में ही रहने दो, या तो आप लीटर में बदल दो, ठीक है। यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर गलती की, ml l कैपिटल होता है, सॉरी 250 n/10 n2CO3 सोडियम कार्बोनेट विलयन के विलयन बनाने के लिए कितनी मात्रा Na2 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी हमें क्या पर क्या निकालना है, भार निकालना है इसका, सिंपली आपको भार निकालना। तो यहाँ पर पहले क्या क्या दिया है आप सिंपली Na2 यानी देखिए यहाँ पर n/10 का जो मतलब होता है, यहाँ पर नॉर्मलता आपको दी गई है, यह नॉर्मलता यानी दी गई है 1/10, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया 1/10, यहाँ पर आकर तुल्यांक प्रति लीटर, इसका मात्र भी तो यहाँ पर इसका मात्र जो होता है तुल्यांक, यहाँ मात्र तुल्यांक प्रति लीटर में लिया गया, लीटर ml में आप नहीं बोलेंगे तुल्यांक प्रति लीटर, क्योंकि आप तो 1000 से गुणा कर रहे हो उस वो ठीक है, लेकिन आप लीटर ही बोलोगे, ml नहीं बोल सकते आप, ठीक है। Na2 की जो Na2CO3 का भार निकालते हो आप, अगर बाहर निकालते हो तो 106 आएगा, आप चाहो तो निकाल सकते हो, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करो, हाँ मैं नहीं आता तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, वैसे आपको धोखा आता ही होगा। फिर उसके बाद तब Na2CO3 का तुल्यांक भार क्या हो जाएगा, तुल्यांक भार आप निकालते हो सिंपली देख लीजिए, कुछ कुछ लोग बहुत कंफ्यूज है तुल्यांक भार कैसे निकालें, तो तुल्यांक भार निकालने के लिए जैसे मान लीजिए हम किसी का ले लेते, तो Na2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर तुल्यांक भार कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर आप अणु भार निकाल दो, अणु भार जितना आ गया तो वहां पर आप इसे बटे एन होता है, एन का मतलब क्या होता है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एन का मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता भी आप कह सकते हो, संयोजकता ना कहें तो ज्यादा अच्छा है, ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2, यहाँ पर अणु भार से भाग कर दो आप, यहाँ पे 2 से आप भाग कर दो आ जाएगा आपका आंसर, जैसे आप यहाँ पर निकालना चाहते हो NaOH, NaOH का निकालो भार अणु भार, और यहाँ पर 1 से भाग करो, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है 1, अगर AgCl है तो भी आप एक से भाग करो, मान लो आप Ag2SO4 है तो यहाँ पर Ag की लोग जो हमेशा पॉजिटिव उसकी लिया कीजिए, आप यहाँ पर 2 से भाग करो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पे भाग हमने 2 कर दिया, 2 आप पूछिएगा मत कैसे किया, पहले ही बता दे रहा हूँ, फिर यहाँ भाग करने 53 आ जाएगा, 5 × 10 और 2 × 3 Na2CO3 का आयतन, अब आयतन कितना दिया 250 यहाँ पर हमें दिया हुआ है, 250 दिया है यहाँ पर 250, आप चाहो तो 1000 इसे 1000 से भाग क्यों कर रहे हैं, हमें इसे लीटर में चाहिए, इसे हम लीटर में बदल रहे हैं ना कि इसे ml में, अगर ml में रहे तो कोई टेंशन नहीं है, आप ml में भी रख सकते हो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ml में आप रख करोगे तो आपका आता है कि नहीं, या फिर आप ऐसे ही रहें तो तभी पर आपका आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो आप बात आती है हम मतलब अब हम सीधे सॉल्व करने सारा चीज तो हमने लिख चुका हूँ, फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो विलयन की नॉर्मलता है, जो नॉर्मलता क्या सूत्र क्या होता है, विलयन की तुल्यांकों, पहले हमने तुल्यांकों की संख्या, पहले तो हमें तुल्यांक चाहिए, तुल्यांकों की संख्या चाहिए कि नहीं, सूत्र में मैंने क्या लिखवाया था, यहाँ पर आप देखिए विलयन के तुल्यांकों की संख्या, विलयन के तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, भार बटे और भार, सॉरी भार बटे तुल्यांक भार, सॉरी यहाँ पर तुल्यांक भार, अरुभार तो नहीं तुल्यांक भार, तो ठीक है यहाँ पर तुल्यांक भार, यहाँ पर देख सकते भार बटे तुल्यांक भार, तो भार तो हमें मान लीजिए नहीं पता, तो हमने उसे मान लिया W हमने मान लिया, फिर यहाँ पर जो अरुभार है तो 53 हो गया। फिर विलयन की नॉर्मलता, आप नॉर्मलता का पूरा सूत्र यहाँ पर लगा देते, विलयन के तुल्यांकों की संख्या, फिर विलयन का आयतन, जो आयतन ये ठीक है,
फिर नॉर्मलता हमने 0.1 लिया था और ये W से हमने माना है। फिर उसके बाद यहाँ पे तिरपन, आप कहोगे तिरपन कैसे आया, तो यहाँ फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा, नॉर्मलता 0.1 ठीक है, और यहाँ पर इसकी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं W तुल्यांकिक तुल्यांकों संख्या क्या थी, W अपॉन 53 अपॉन 0.25 ठीक है। फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो आप जानते हो कि इसे अपॉन 1 कर सकते, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें ठीक है। तो आप कर दीजिए 0.1 आर इक्वल इसका इंटू W अपॉन इसका इंटू कर दो 53 इंटू 0.25, तो W आर इक्वल टू 53 इंटू 0.25, इसका इंटू इधर कर देंगे हम 0.1। जो मैथ वाले होंगे तो उनको बहुत जल्दी समझ आ रहा होगा कि हाँ तुरंत हम तो सब समझ रहे हैं, क्यों इतना आप स्लो बता रहे हैं। नहीं यार, बायो वाले भी देख रहे होंगे और साइड वाले भी देखते हैं, तो उसके लिए एक सारा लिखित होना चाहिए, क्लियर क्लियर सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप जो इंटू करते हो आपको यहाँ पे 1.325, आप कहोगे यार इतना लंबा, मैं आपको आप गुणा थोड़ी करके दिखा सकता, आप कैलकुलेटर का यूज कर लो, सिंपल ये आपको जो कि आ जाएगा। तो और यहाँ पर मैंने ग्राम ही क्यों लिखा, क्योंकि भार जो होता है हमेशा ग्राम में होता है ठीक है। आप कहोगे कि भैया इतना आप गुणा कैसे किया एकदम एग्जैक्ट, यार मैंने भी कैलकुलेटर का यूज किया इतना आया ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं शायद वीडियो को मुझे यहीं पर स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपको बताता रहूंगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, बेल आइकन तो बेल आइकन यहाँ पे जो बेल आइकन है वहाँ पे उसे प्रेस जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं उस पर ऐसे बहुत सारे वीडियो जो कि देता रहूंगा। और इसे प्लीज लाइक कर दो और शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हो सके उनके साथ कुछ काम आ जाए, अगर आपकी जो क्लासेस नहीं चल रही तब तक के लिए आप काम आ जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना प्लीज़, क्या आप वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, जो आपको कॉन्सेप्ट और जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है आप मुझे कमेंट करो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं उस पर एक और वीडियो छोटा सा बना दूंगा उसके लिए बस, तो आप उसे अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर अगली क्लास मैं जो आपको अगली जो अगला वीडियो आपको दूंगा कल हो सके आपको दे दूंगा, ये वीडियो मैं आपको जल्द ही जल्द प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आप अपने सारे जो कि पढ़ाई जो कि ऑनलाइन जारी रख सकते।